लाख रे भैया, टाइम ही नहीं बचा। और सुबह सुबह का अपने इतना काम मिल गया मुझे कि अब इंडिया भाई साहब सुबह के बज गए 8:30 है और चाय पी के मैं जा रहा हूँ बढ़नी एक जरूरी काम के लिए। पता है कि लड़का मेरा वहाँ पढ़ रहा है तो उसके पास खर्चे नहीं हैं, तो मुझे कल ही जाना था लेकिन कल मैं नहीं जा पाया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया देहाती ब्लॉग पर, शोएब को मैंने फ़ोन कर दिया है कि भाई आज जल्दी चलना है तू तैयार हो जा। मैंने उससे ये नहीं बताया कि मैं बढ़नी अभी जा रहा हूँ, बढ़नी से आऊँगा उसके बाद मैं फिर चलूँगा, क्योंकि अगर मैं ये बता दूँगा तो वो फिर थोड़ा आज़ाद हो जाएगा, इसीलिए बताया नहीं। तो बढ़नी जा रहे हैं फटाफट, उसके बाद में फिर वापस आ रहे हैं, नहाना है धुलना है, उसके बाद में नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद में फिर सीधे सिसवा की तरफ रवाना हो जाना है। तो चलिए आगे का जो भी वीडियो होता है, जो भी सीन होता है, वो सारा चीज़ मैं अपने वीडियो में दिखाता हूँ। कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है, बाकी आज क्या होता है वो भी आप लोग देखिए। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सुबह होता है तो ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, बहुत सारा काम रहता है भाई, इसीलिए अकेले ही सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। बस ये बढ़ने वाला काम मेरा हो जाना चाहिए था कल ही, लेकिन हम काहली की वजह से गए नहीं, तो वहाँ सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें यह था कि आज भी वीडियो नहीं शूट होगा, और अचानक सुबह इमरान भाई का फ़ोन आ गया। हमने कहा चलो ठीक है भाई आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए शोएब को पहले फ़ोन करके बता दिया। बस बढ़नी पहुंचना है, उसके बाद में तुरंत वहां से वापस आना है मुझे। ये है सुबह वाला फीलिंग भाई, देख सकते हैं आप, कसम से ऐसा मेरे कामने ये रिक्शा वाले घुमावे से भाई, अचानक कहाँ मोड़ दे कोनो पता नहीं है, इनसे सबसे बहुत डर लागत है, बहुत डर लगता है इससे सबसे। बहुत तेज आया हूँ 65-70-75 के स्पीड में, क्योंकि वीडियो ना शूट करना जाना होता तो मेरा और भी काम यहाँ पे था, मुझे चश्मा बनवाना था, मॉडर्न चश्मा हाउस के यहाँ जाकर, लेकिन अब वीडियो शूट करने जाना है इसीलिए भाई मजबूरी है, अब रुक नहीं पाएंगे हम, फिर देखते हैं किसी दूसरे दिन मौका मिलता है उस दिन रुकेंगे। ये बढ़नी मार्केट है, सुबह सुबह आज पूरा बढ़नी और कृष्णनगर मार्केट मुझे घूमना पड़ा। घर वालों को सिर्फ पता हो जाए कि हाँ घर के लोग कहाँ पर गए हैं, और वहाँ की अगर कोई फेवरेट चीज़ होती है या फेमस चीज़ होती है तो वो ज़रूर फरमाइश कर देंगे कि हाँ ये चीज़ लेते आना है, और इसीलिए मुझे जाना पड़ा नेपाल यानी उस पार जाना पड़ा बॉर्डर से। अब चलते हैं, हमारे गाँव का एक बंदा है यहाँ पर होटल खोला हुआ है, तो उससे मिलते हैं हम 2 मिनट के लिए। शायद रेलवे गेट बंद है भैया, अब रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए मुझे। बवाल है साला, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट तो रुकी पड़ी यहाँ, देखो बड़ा लंबा ट्रेन है यार। लंबा जाम लग जाते है यार भाई, निकालने में बड़ा मुश्किल हो जाते गाड़ी। और मन्नान भाई का दुकान जो है यहीं पर है, ठीक है, और चलते हैं उससे मिलते हैं, उसके बाद में तब चलते हैं घर। ये बढ़नी का मेन चौराहा, तो चलते हैं मन्नान भाई से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कहां पर दुकान इनका। वो खो क्या बात है यार, मन्नान भाई यही दुकान है आपका, देख सकते हो। ये हुए मेरे मन्नान भाई, यहाँ पर छोला भटूरा का दुकान किया है बढ़नी मेन चौराहा पर, यहाँ इटवा वाले रोड को इटवा बढ़नी। बढ़नी से आने के बाद में भाई मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि मैं जब बढ़नी ही था तो उसमें भाई ने फोन कर दिया, तो हमने कहा चलो ठीक है आधा घंटा में हम पहुँचे हैं। आधा घंटे से पहले पहले मैं अपने घर पहुँचा हूँ, घर पे सामान रखा हूँ, उसके बाद में सीधे जा रहा हूँ सुबह। यहाँ तक कि सिर्फ चाय ही मैंने पिया है, बाकी आज हमारे पेट में कुछ नहीं गया भाई, टाइम ही नहीं मिला कि हम कुछ खा पी गए। हाँ ये है कि मतलब जहाँ पर हम रुके थे मन्नान भाई जो छोला भटूरा वाला दुकान के है, आपने देखा वीडियो में, वहाँ से हम पैक करवा लिए थे छोला भटूरा, ये रखा है हैंडल में, और उसके बाद जब भी आएंगे तो वहाँ पर खाएंगे हम, फिर हमारा भी पेट पूजा हो जाएगा। अब क्या करें भैया, टाइम ही नहीं बचा,
और सुबह सुबह का अपने इतना काम मिल गया मुझे कि अब इंडिया और नेपाल भी देखना पड़ा, बस पता चल जाए घर वालों को हाँ कि यहाँ पर गए हैं, फरमाई शुरू हो जाती है। खैर आ गया हूँ, नाव भी पहुँचने वाले हैं, निकलते हैं सीधे सुबह। फाइनली भाई साहब मैं अपने लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, यहां से कहां पर जाना है ये नहीं पता है, आएंगे तो भी पता हो जाएगा। ठीक है, पैदल आए हैं, इसी को समय जा रहे हैं जी। आज भी पूरा दिन यहीं पर निकल गया बैठे बैठे, ना तो कहीं पर गए और ना तो वीडियो शूट हुई। दरअसल दीपावली आ गई है तो हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और उसी के तैयारी में हम लोग लगे हैं क्योंकि उस पर हम लोग एक वीडियो बना रहे, कॉमेडी देखिएगा, दीपावली के एक दिन पहले आएगी, काफ़ी मज़ा आएगा। तो उसी के तैयारी में हम लोग समझ लीजिए पूरा दिन यहीं पर लगे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसकी शूट जो होगी वो कल होगी और कल पूरा दिन लगेगा, काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त का वीडियो रहेगा ये भाई साहब, और इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत कर डाली, इतनी मेहनत कर डाली है कि अब हम क्या बताएं। जो इससे पहले चार चौपटा नाश वाली वीडियो किसान और चार लोगों ने मिलकर बनाया था, बेचारे किसान को परेशान किया था भाई, उस वीडियो में भी हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत पड़ गई थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, यानी थक गया था, दोनों तरफ दौड़ना इधर से उधर, उधर से इधर, यानी मैं बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद में आराम करने के बाद करीब एक घंटा आधा घंटा फिर जाके फिर शुरू किया, तब जाकर वीडियो कंप्लीट हुई। हार्ट बीट मेरा जो था इतना तेज़ धड़क रहा था, इतना तेज़ धड़क रहा था, ये लग रहा था कि जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, सही बता रहे हैं। और हमने उसी दिन ठान ली कि अब हम स्टंट वाली वीडियो नहीं करेंगे जिसमें ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, हाँ करेंगे लेकिन आराम आराम से करेंगे, रुक रुक के करेंगे, लगातार नहीं करेंगे। अगर लगातार करेंगे भाई तो मेरा ही नुकसान होगा, खुदा ना खास्ता कहीं कुछ हो गया तो बीवी बच्चे भाई परेशान हो जाएंगे यार, इसीलिए सोच समझ कर काम करना है। बाकी वहीं पर अभी बैठे थे गुद्दुर भाई के होटल में, सारे लोग वहीं पे हैं और वहाँ पर काम हो रहा है, बस लास्ट बचा था और उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, कल इसकी वीडियो शूट होगी। एक सीन बाकी था एक वीडियो का, वो वाला आज करवा देंगे तो वो वीडियो कल आएगी ठीक सुबह। तो इतनी सी बात मुझे करनी थी, नहीं तो सोचा था कि आज हम लोग जाएंगे जंगल और जंगल में वो वाली वीडियो शूट करेंगे, सुल्ताना वाली तीसरा भाग, लेकिन उसमें एक बंदा कम है, फिर गुद्दुन भाई उसके घर में शादी है तो बेचारा इधर उधर परेशान रहता है, तो उसमें अगर आदमी कम होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और इस वीडियो में जितने भी आदमी रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, तो आदमी की ज़रूरत है जो है नहीं अभी मेरे पास, सब लोग लगे हैं काम में अपने, गुद्दुन भाई शादी में लगे हैं, महेंद्र भाई कहीं चले जाते हैं तो वह तो आज आए थे, तो बस इसी के नाते वो रुका हुआ है। अब ये वीडियो शूट होगा जिस दिन सब लोग रहेंगे उस दिन, बहरहाल तीसरा पार्ट चौथा पार्ट पांचवा पार्ट तक ये वीडियो आएगा सुल्ताना वाला, आप लोग इत्मीनान रखिएगा, देखिएगा ज़रूर, काफ़ी ज़बरदस्त की वीडियो होती है रहेगी, और आपने पहला दूसरा तो देखा ही, कैसा लगा अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। हम जानते हैं कि जो फॉलोअर्स और जो सब्सक्राइबर बेहतर समझो पे हैं वही फॉलोअर वही सब्सक्राइबर हमारे वही ब्लॉग पर भी हैं, वही लोग देखते हैं हमारी वीडियो, बाकी एक हाथ को छोड़कर इधर उधर जो मतलब हमसे जुड़े हैं हम नहीं कह सकते, बाकी सब वही हैं। तो बस इतनी सी बात थी, और यहाँ से भी कुछ देर में हम निकलेंगे घर के लिए, आगे अगर कुछ होता है तो दिखाएंगे नहीं तो बताएंगे जो भी होता है। फिर कल सुबह सुबह आना है जल्दी वीडियो शूट करने के लिए, पूरे दिन में कंप्लीट करना है। और एक और काम था, कल हम लोगों को जाना था बस्ती, तो बस्ती ना जाकर समझो कैंसिल कर दिया, नहीं जा पाएंगे, बहुत बड़ी बात थी भाई उसमें। खैर जाने दीजिए, आएगा मौका तो हम ज़रूर उस बारे में बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को।
दुकान है बगल में, आया था पानी पीने के लिए। सुबह मैंने पानी पिया है, उसके बाद में फिर पानी नहीं पिया है। जब यहाँ पर मैं छोला भटूरा लेके आया था पैक करवा के, वही खाया था, वही पानी पिया था, तब से वहीं पर बैठे हैं, कहीं गए ही नहीं। और अब यहाँ से हम चलते हैं गुद्दुन भाई के दुकान पर, देखें कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद में घर चलते हैं। हम यहीं पर यहाँ बैठा रहें, और उतरौला से दो लोग आए हैं शाम के टाइम, चार तो बजते हुए कम से कम। तो ये भाई साहब देखिए, ये क्या नाम है भैया आपके? इसरार। इसरार, आपका क्या नाम है? आफ्ताब। आफ्ताब, तो ये लोग आए हैं बेहतर समझो से मिले, यानी बेहतर समझो के टीम वालों से ही मिले ले आए हैं। तो खैर अच्छा लगा था, कोई भी आवत है तो हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से मिले थे, और जो जिनसे सबसे प्यार मोहब्बत मिले थे भाई, वो बहुत अच्छा लागत है। तो बाकी हमारे टीम वाले वहाँ बैठा है, हम बताइए कि हाँ भाई, तो यही सबका अपने लड़की से वहीं मिलाई तुलाई था। बाकी गुद्दुन बाबू के होटल ऐसा बंद रहा थे, जानते हैं कि उनके घर में शादी ब्याह है, तो दुकान बंद है ही ना थे। अब चाय वाय वाला मसला जो है बहुत दूर है भाई, माफी चाहिए। गुद्दुन भाई रहते हैं तो हर चीज मुहैया रहता है, चाय नमकीन बिस्कुट सिगरेट पान मसाला सब मिल जाता खाए के यहाँ, लेकिन उनके ना हुए वजह से ही अब दुर्दशा हो गई। हमरे लाइफ पूरा ना पाई थे, पानी पी बोलते तो यहाँ आई थे, बाकी यहाँ गुटका पान मसाला जो है तो अपन खाई सकते हो। अब और कहो, कहती भैया गलत कहा तो कहो, तो भाई लोग कहें कि अपने बलगवा में एड कह लियो, तो हम कहें चलो ठीक है भैया, तो चाहिए था उन्हें सबका मिलाई है हम, बाकी लोग वहाँ पर हैं ठीक।